नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया और अब इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात कह रही है तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ बता रही है। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर चुकी है और इसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा एमपी में प्रत्याशी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज मैदान में उतारे गए हैं। उधर पहली लिस्ट आने के साथ ही बीजेपी ने 400 पार का दावा कर दिया है। अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मुझे पुनः खजुराहो लोकसभा की जनता की सेवा करने का और बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने दिया है, पूरे केंद्रीय। तो बीजेपी ने तो ऐलान जंग कर दिया है, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट की बातें बड़ी जो हैं वो क्या क्या हैं। तो बीजेपी ने कुल जमा 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी और लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन 195 उम्मीदवार जो हैं इनमें 11 राज्यसभा के सांसदों को भी टिकट दे दिया गया है और 33 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। 30% मौजूदा सांसदों के टिकट, 20% मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए। 50 साल से कम उम्र के 47 चेहरे इसमें शामिल किए गए और 28 महिला उम्मीदवार मैदान में उतार दी गई है। ये 195 का डेटा बता रहे हैं। 27 अनुसूचित जाति से उम्मीदवार हैं और 18 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार घोषित किए गए। इसके अलावा इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे, इस लिस्ट को समझेंगे, बारीकी से इसकी पड़ताल करेंगे तो इसमें 57 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार भी हैं और समाज के हर वर्ग को इसमें प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए आपको अब बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जारी लिस्ट की बड़ी बातें क्या क्या है। मध्य प्रदेश की जो लिस्ट जारी हुई, 24 सीटों पर दरअसल उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए और इनमें 6 मौजूदा सांसद जो हैं इनके टिकट काट दिए गए, इनकी जगह किसी और के दिया गया टिकट। 5 सीटों पर उम्मीदवार भी बदल दिए गए और इसके अलावा 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। 8 सीटों पर जातीय समीकरण का भी खासा ध्यान रखा गया है। 3 सीटों पर किरार और धाकड़ को टिकट दिया गया तो 2 सीट ऐसी हैं जहां पर कुर्मी और 1 पर कुशवाहा को टिकट पार्टी ने दिया है। 1 सीट पर लोधी और 1 पर मराठा उम्मीदवार भी मैदान में उतारा है। इसके अलावा 5 ब्राह्मणों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य समाज से भी 1-1 उम्मीदवार दे दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के हर वर्ग का ख्याल इस जो टिकट वितरण बीजेपी ने किया है उसमें कितना बारीक तरीके से काम किया गया है, कितना इसके ऊपर वर्क किया गया है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी 11 के 11 उम्मीदवार उतार दिए गए और लोकसभा के लिए बीजेपी ने सभी उम्मीदवार जो उतारे हैं इन 11 सीटों पर 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया। ये बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है, लेकिन हुआ ऐसा ही। और 7 नए चेहरों पर दांव लगाया गया जिनमें 3 महिला प्रत्याशी भी मैदान में उतार दी गई हैं। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया या फिर से टिकट दिया गया है, जिसमें विजय बघेल का भी नाम है। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का समीकरण कुछ इस तरीके से बीजेपी ने बिठाया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन एक खास रणनीति के तहत पार्टी ने अभी 5 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, उनका ऐलान नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? इन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं करने के पीछे की वजह क्या है
होल्ड क्यों किया गया और कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जिनको पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है, आइए इस रिपोर्ट में इसकी पड़ताल करें। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 5 सीटों पर पार्टी ने एक रणनीति के तहत उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उनमें से 3 सीटें मालवा क्षेत्र की है। मालवा क्षेत्र का इंदौर, उज्जैन और धार, ये वो क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं महाकौशल क्षेत्र की 2 सीटें छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। महाकौशल को कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और अंदरूनी समीकरण की वजह से इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इंदौर में शंकर लालवानी के टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ताई सुमित्रा महाजन और भाई कैलाश विजयवर्गीय के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच खबर आ रही है कि पार्टी यहां से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है। वैसे भी इंदौर बीजेपी के परंपरागत सीट रही है। उज्जैन सीट पर महिला प्रत्याशी रानी जाटवा या पूर्व महापौर मीना जुनवाल को मैदान में उतारे जाने की संभावना है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनकी सहमति के बिना यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। रानी जाटवा का नाम चौंकाने वाला है। रानी उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटव की बहू हैं और डॉक्टर जाटव संघ से जुड़े हैं। उज्जैन संघ का गढ़ भी माना जाता है। धार बीजेपी के लिए रेड जोन वाली सीट है। भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई हो, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सीट पर वोटों के लिहाज से बीजेपी माइनस में रही है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर किसी आदिवासी चेहरे को उतारना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव में हुए वोटों के नुकसान की भरपाई हो सके। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के कांग्रेस में बने रहने पर अभी भी सस्पेंस है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। छिंदवाड़ा लोधी बहुल लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से उमा भारती के नाम की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ यहां से नाथन शाह, गगन कोलेह और बंटी साहू का नाम भी चल रहा है। बालाघाट सीट से मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं इस इलाके के पुराने नेता गौरी शंकर बिसेन भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिसके चलते बालाघाट की टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आपने समझ लिया होगा कि 5 सीटों पर होल्ड क्यों किया गया, 5 सीटों को क्यों रोका गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन एक खास रणनीति के तहत 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कुल 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और क्या इससे संदेश देने की कोशिश की है, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए ये बताते हैं कि करके। दरअसल बीजेपी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है और ये सभी जानते हैं। बीजेपी खुद कहती है कि हम हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले बीजेपी ने जो लिस्ट जारी कर दी और वो भी एक जंबो लिस्ट, 195 उम्मीदवार, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बीजेपी ने हासिल कर ही ली है। और विपक्ष में अभी तक सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, किसे टिकट दिया जाए, कहां से उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर काम चल रहा है। 2019 में दरअसल बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के बाद उम्मीदवार घोषित किए थे और ये ट्रेंड हमेशा से रहा है कि चुनाव की तारीख घोषित होती है उसके बाद उम्मीदवारों के नाम होते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस ट्रेंड को ही बदलने का काम किया है। केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जिताऊ उम्मीदवारों पर दोबारा दांव लगाया गया, विवादित चेहरों से किनारा भी इस 195 की लिस्ट में नजर आता है कि किनारा कर लिया गया। और यह शुरू हो गया था विधानसभा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तभी यह सब कुछ देखने को मिल गया था। लेकिन बीजेपी ने किस आधार पर टिकट तय किए हैं, आइए ये बता देते हैं कि क्या आधार रहा है, क्या चीजें मूल रूप से बीजेपी ने देखी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या, सबसे ज्यादा जरूरी होती है जीत, तो जीतना है, इसलिए जीतने की क्षमता देखी गई।
155 जीती हुई सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए। 195 में से 155 जीती हुई सीटें। जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट दिया गया, यानी कि जनता उन्हें जानती हो, वो मेहनतकश हो। पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को भी टिकट बांट दिए गए जो केंद्रीय मंत्री हैं। 370 एक बड़ा टारगेट बीजेपी ने रखा है अपने लिए। एनडीए के लिए तो ये टारगेट जो है ये बड़ा है, 400 के पार है, लेकिन 370 का टारगेट जो रखा है इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया था और सर्वे रिपोर्ट जो आई उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। खराब रिपोर्ट वाले लोगों का टिकट काट दिए गए और 2019 में जो सीटें हारी थी इस पर बीजेपी का खासा फोकस है। विवादित चेहरों से भी किनारा जो है वो कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की मातृशक्ति की अब बात कर लेते हैं, क्यों इसमें बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के पीछे पर महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई। मध्य प्रदेश में 4 महिलाओं पर भरोसा जताया गया, उनको टिकट दिया गया, और छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटें, इनमें से 3 तो महिलाओं के खाते में गई हैं। तो क्या है इसके पीछे रीजन, आइए देखते। नरेंद्र मोदी लाजवाब हैं, दूरगामी फैसले लेने में, सही उम्मीदवारों के चयन में। नए प्रयोग करने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं। 24 के रण में बीजेपी की रिलीज, पहली लिस्ट में मोदी का विजन साफ झलकता है। उम्मीदवार जिताऊ हों, टिकाऊ हों और उनमें भविष्य की अपार संभावनाएं हों, यानी नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए भविष्य की राजनीति के अहम किरदारों को भी गढ़ रहे हैं। ऐसे लीडर जो आगे चलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। मोदी के मिशन 2047 तक की मशाल आगे ले जाने का जिम्मा जिनके हाथों में होगा, उनके नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल हैं। मोदी ने महिला शक्ति का सम्मान करते हुए 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बात एमपी की करें तो भिंड से संध्या राय पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं सागर से लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि हिमाद्री सिंह को शहडोल से टिकट दिया गया। अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम से चुनावी मैदान में हैं। टिकट मिलने के बाद सभी ने आला कमान का धन्यवाद किया। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और हमारे प्रदेश के भी सभी शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वी डी शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे सभी संगठन के संगठन मंत्री माननीय हितानंद जी एवं समस्त जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हर किसी को ऐसा लगेगा जब अचानक बम जैसा फूटा मेरे लिए, ऐसा अनुभव हो रहा था। और जहाँ तक कैसा लग रहा है, तो मैं कौन सी छत के नीचे खड़ी हूँ, एक बड़े भाई की छत के नीचे, तो मेरे लिए कोई चुनौती भी नहीं है। और हाँ, मेरे लिए ये जरूर है कि यह क्षेत्र मैंने देखा हुआ नहीं है, पर बड़े भैया हैं यहाँ पर और इतने सारे कार्यकर्ता हैं, तो हम उत्तीर्ण होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। कोरबा संसदीय सीट से सरोज पांडे, जबकि महासमुंद लोकसभा सीट से रूप कुमारी चौधरी और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े को महिला प्रत्याशी बनाया गया। टिकट मिलने के बाद महिला प्रत्याशियों ने जीत का दावा भी किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बढ़िया। आपने कहा कि 2 दिन पहले यात्रा खत्म हो गई, जब यात्रा को समर्थन नहीं मिला तो यात्रा चलेगी कहां से? अगर ये जिम्मेदारी मिल रही है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, आम जनता का वो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा प्रयास रहेगा
कि मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूं। निश्चित रूप से विधायक रहते, जिला पंचायत सदस्य रहते, आम जनता की लगातार मैंने सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं पे भी अपनी क्षमता योग्यता अनुसार जवाबदारी अलग अलग देती रहती है। तो इसके लिए सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में आधी आबादी को पूरा हक देने की कोशिश की, ऐसे में महिला दावेदारों को आने वाली लिस्ट से भी उम्मीद जाग गई है। महिलाएं सियासी पिच पर बैटिंग करें, यही बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो महिलाओं पर खासा फोकस प्रधानमंत्री का, और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके बलबूते इस बार बीजेपी ने महिला शक्ति पर भरोसा जताया, वो आप देख लीजिए, उनको आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की मातृ शक्ति योजना की अगर बात कर ली जाए तो महिला आरक्षण बिल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई है, तीन तलाक का खात्मा ये भी महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी, इसमें भी महिलाओं को आवास मिले, इसके अलावा लखपति दीदी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जनधन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा महिला पोषण अभियान भी सरकार की तरफ से चलाया जाता है और सेना में परमानेंट कमीशन की बात भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना के बारे में कैसे भूला जा सकता है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन स्कीम भी इसमें शामिल है। तो ये मात्र शक्ति का बढ़ता विश्वास जो नजर आ रहा है, कैसे दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 का अगर आकलन कर लिया जाए तो 29% महिला वोट पड़े थे 2014 में और 36% महिला वोट पड़े 2019 में, ये आंकड़ा आप समझ लीजिए। इससे कितना विश्वास महिलाओं का बढ़ता जा रहा है ये बताने के लिए काफी है। वैसे आम चुनाव के मुहाने पर हम आ चुके हैं, जल्द ही तारीखें घोषित हो जाएंगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस छोड़कर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दल बदलने वालों को देख कांग्रेस का दिल दुख भी रहा है और वो कह रही है कि ये सब तो वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कई पत्ते खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से केवल 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें होल्ड पर रखा गया है और बाकी सब पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। वही चुनावी टिकट बांटने को लेकर कांग्रेस में भी कवायद जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले भी कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी ज्वाइनिंग का खुला ऑफर देकर महाभियान छिड़े हुए है, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी दामन से हाथ छुड़ा लेने वालों की लाइन सी लग गई है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के अगवा नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कई कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ी कमल थामा। तो वहीं रविवार को जब कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान दूसरी तरफ पार्टी में सेंध लग रही थी। बैतूल में पांडोना महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रंजना बाल पांडे ने कमल थाम लिया, लेकिन वो अकेले ही नहीं थी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मनोकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दिनों दल बदलने वालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। लग रहा है कि कांग्रेस में पतझड़ शुरू हो गया है, लेकिन दल बदलने वालों पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जयराम रमेश का गुस्सा ग्वालियर में फूट पड़ा। बोले कि ये सभी लोग वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। जयराम रमेश ने सिंधिया से लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा तक को निशाने पर ले लिया। जिन लोगों को सिर्फ वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है वो ही लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गिनती कीजिए जो जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़े हैं, असम के मुख्यमंत्री को लेकर आप शुरू कीजिए, हमारे असम के प्रभारी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन जो भी हो सबको जनता के सामने ही है। एंड चुनाव के पहले कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है, नेता वक्त की नजाकत को भाप कर पाला बदलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू सिटी। और इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।